अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। सो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द क्वेश्चंस ऑफ पोएम ऑन किलिंग अ ट्री। जो हमने पोएम रिसेंटली जो हमने पोएम पढ़ी है उसके क्वेश्चंस, ठीक है, दैट्स अंडरस्टैंडिंग द पोएम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज ग्रोथ ऑफ अ ट्री इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, किलिंग ऑफ अ ट्री इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, डू यू एग्री। ये जो हमने पढ़ा कि ग्रोथ ऑफ ट्री जो है लॉन्ग प्रोसेस है और किलिंग जो है इज लॉन्गर, क्या आप इससे एग्री करते हैं? तो हमने आंसर में लिखा है यहाँ पे येस वी डेफिनेटली एग्री विद दिस स्टेटमेंट बिकॉज इट नीड्स इट्स सॉरी इट्स रूट्स गो ऑन कर्लिंग इन साइड द केव ऑफ द डीप अर्थ। इसके जो रूट्स होते हैं जब ट्री की ग्रोथ होती है, जब एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, तो उसके डीप रूट्स जो होते हैं वो अपनी जगह अर्थ के इनसाइड में मतलब डीपली होते हैं, तो इसके के अंदर होते हैं, अर्थ के अंदर होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, दे कीप इट वेल प्रोटेक्टेड एंड इट नीड्स सो मच पावर फॉर पुलिंग एंड कटिंग डाउन। यानी कि पॉइंट इसलिए कह रहे हैं कि इट्स लॉन्गर देन इट्स ग्रोथ, अगर ग्रोथ लॉन्ग प्रोसेस है बट किलिंग इसकी जो है लॉन्गर है। ये सही है क्योंकि इसके रूट्स जो होते हैं ये वेल प्रोटेक्टेड रखते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे ट्री को। तो इसको बहुत ज़्यादा पावर लगता है, ताकत की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू पुल इट आउट और कट इट डाउन, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर। देन क्वेश्चन नंबर टू, हाउ हैज़ द ट्री ग्रोन इट्स फुल साइज, लिस्ट द वर्ड्स सजेस्टिव ऑफ इट्स लाइफ एंड एक्टिविटी, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है फिर से, हाउ हैज़ द ट्री ग्रोन इट्स फुल साइज, ठीक है। आंसर में हमने लिखा है slowly the tree goes on absorbing the sunlight, air, water and the earth। यानी कि ये slowly इसकी जो growth होती है वो क्या होती है, slowly होती है, क्या क्या absorb करके, by absorbing sunlight, by absorbing by using air, water absorb करता है from the earth, इससे इसकी process जो होती है that slow process, ठीक है। और क्या क्या हासिल करता है ये ज़मीन से, it gets food and fed upon its crust, whose crust, earth's crust पे ये fed होता है, इसकी feeding होती है। The words which are suggestive of its life are feeding, यानी कि ये words जो हैं ये हमने किस लिए हैं, poem से, जिससे ये हमें मतलब poem में ये मिलता है, इसका answer मिलता है कि इसकी क्या है कि ये ज़मीन से क्या क्या, अर्थ से क्या क्या हासिल करता है, दैट्स फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर, ठीक है। देन देयर इज क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट डज द पॉइंट मीन बाय द ब्लीडिंग बॉक्स, व्हाट मेक्स इट ब्लीड, ठीक है। आपको बोलना है कि ब्लीडिंग बॉग जो इसमें ऑन किलिंग ऑफ ट्री में इस्तेमाल हुआ है पोएम में, वो क्या होता है। Bleeding bark refers to the sap which flows out of the tree's bark while it's cut. यानी कि जब जहाँ पे ट्री को काटा जाता है, इसको स्ट्रॉन्ग कट दिया जाता है, वहाँ पे जो सैप निकलता है बाहर, जो फ्लूइड जैसा होता है, हाँ, उसको बोलते हैं ब्लीडिंग बार्क। ब्लीडिंग बार्क, द ट्री ब्लीड्स व्हेन इट्स कट विद अ नाइफ, जब इसे नाइफ यानी कुल्हाड़ी से मारा जाता है, काटा जाता है, पॉइंट कह रहे हैं द ट्री ब्लीड्स, क्योंकि हमने पोएम में पढ़ा है कि ये जो है पॉइंट जो है ये कंसिडर करते हैं कि ट्री को सिमिलर टू दैट ऑफ ह्यूमन बीइंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिस तरह से किलिंग ह्यूमन और मैन इज कंसिडर्ड एज अ मर्डर, इसी तरह पॉइंट का ये पॉइंट भी कह रहे हैं इट्स अ वायलेंस, इट्स अ वायलेंस, इट्स अ सिन डन बाय मैन हिमसेल्फ, ठीक है। ये है पॉइंट, एक्चुअली पोएम हमें यही मैसेज देना चाहती है, ठीक है। पॉइंट हमें अपनी पोएम में यही मैसेज देना चाहता है। दीज आर द थ्री क्वेश्चंस, उसके बाद जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस विल डू टुमारो।